चंद्रमा पर इंसान लंबे समय तक रहने के लिए लगातार चंद्रमा और चंद्र मिट्टी पर शोध कर रहे हैं। इस मामले में स्विस शोधकर्ताओं की एक टीम ने स्वायत्त रोबोट हाइड्रोलिक उत्खनन मशीन का उपयोग करके सूखी पत्थरों का दीवार निर्माण का प्रस्ताव दिया है। उत्खननकर्ता द्वारा वहां मौजूद सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा और चंद्र सतह से चट्टानों को एकत्रित कर वहाँ रिंगनुमा दीवार बनाई जाएगी, जिसकी त्रिज्या 50 से 100 मीटर के बीच होगी। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से चंद्रमा पर निर्माण सामग्री स्थानांतरित करने की महंगी प्रक्रिया अपनाने की योजना नहीं बनाई है। अध्ययन के प्रमुख लेखक जोनास वाल्थर ने बताया कि रोबोट का उपयोग चट्टानों को इकट्ठा करने के साथ साथ दीवार बनाने के लिए किया जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि मनुष्य कभी चंद्रमा पर स्थायी रूप से बस जाए तो उसे वहाँ उतरने वाले या उड़ान भरने वाले रॉकेट के धुएं से बचाने के लिए चंद्र अवसंरचना की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिकों को डर है कि स्पेसएक्स की विशालकाय स्टारशिप वाहन, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को नासा के आर्टेमिस 3 मिशन पर भेजा जाएगा, से निकलने वाला रॉकेट धुआं सैकड़ों मीटर के क्षेत्र में चंद्रमा के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा और इसे किलोमीटर तक फैला देगा। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में किसी भी जमीनी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए ब्लास्ट शील्ड स्थापित करने की आवश्यकता है।